अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज है ADS की क्लास नंबर 11 और पिछली क्लास में हमने स्लोमो किया था, तो आज हमने फास्ट मोशन करना है। यानी पहले हमने आहिस्ता आहिस्ता की थी, वीडियो को आहिस्ता किया था, आज हमने तेज़ करना है। और उसके साथ हमने ये भी करना है कि किसी जगह हमने अपनी जो म्यूज़िक होता है, म्यूज़िक की बीट्स के हिसाब से हम अपनी वीडियो फुटेज को कैसे मैनेज कर सकते हैं, यानी उस बीट से बीट कैसे मिला सकते हैं, और वो क्या होती है बीट्स, वो भी अभी आपको दिखाता हूँ। तो उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, बल्कि दिखाना नहीं, सुनाना चाहता हूँ। मैंने यहाँ से दो साउंड इफ़ेक्ट्स लिए हैं, एक साउंड के लिए लिया है और एक बीट के लिए। पहले मैं आपको वो सुना दूँ। तो ये जो आपने सुने हैं जी, पहला जो था वो तो है रैन का इफ़ेक्ट था, यानी रैन, अगर बारिश हो रही हो तो बारिश का मैंने रैन इफ़ेक्ट उठाया, क्योंकि मैं म्यूज़िक तो मैं नहीं लगाता हूँ। और ये वाला जो आपने सुना था, इसमें हम लगाएंगे बीट। तो ये जी आपने सुन ली, यानी यहाँ पर बीट होगी, और बीट के साथ कैसे कि जैसे शुरू में तो एक रैन का यानी बारिश बरसने के साथ जो साउंड पैदा होती है वो हो रही है, लेकिन यहाँ पर एक जैसे कड़ों, ये पता नहीं चिड़ी या जो भी हुआ, उसको ये एकदम तेज़ कर देंगे। तो पहले हम ज़रा चलते हैं, ज़रा फास्ट ये स्लो, इसमें पहले हम देखते हैं कि कहाँ से ग्लाइडर इन्फ्लेट हुआ है बराबर। मैं यहाँ से कट करता हूँ और मैं यहाँ से लगाता हूँ। अच्छा, ये वीडियो मैं साथ साथ मैं जब प्ले करता हूँ ना, इसकी ऑडियो, तो ऑडियो जब इसमें यानी इस साउंड इफ़ेक्ट की प्ले करता हूँ ना, तो उससे मैं अपना माइक म्यूट कर देता होता हूँ। और क्योंकि अगर मैं और डेस्कटॉप की ऑडियो जो है वो मैं कर देता होता हूँ, मैं यहाँ पर आपको दिखा दूँ, यानी जब मैं अपना माइक बनाया, जब मैं अपनी आवाज़ कर रहा होता हूँ ना, तो अपना माइक म्यूट कर देता हूँ, फिर ये डेस्कटॉप की ऑडियो कर देता हूँ। लेकिन अगर मैं दोनों ऑडियो ऑन करूँ ना, तो फिर आवाज़ काफ़ी ब्लास्ट हो जाती है। तो या इस ओबीएस में मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ, और अब मैं थोड़ा सा यहाँ तक मैं इसको थोड़ा सा स्लोमो करता हूँ, इतना मैं स्लोमो करता हूँ। और मैंने एक क्लास में मल्टीपल लेयर्स का पतलिक बताया था, तो हम ऑडियो पे भी मल्टीपल लेयर अप्लाई कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर सिर्फ रैन की आवाज़ है, लेकिन यहाँ पर है वो टनी वाली, ठीक है। ये कितनी है जी, यहाँ तक है, ये यह आपको यहाँ पर ये दिखा रहा है, शो भी हो रहा है कि जहाँ पर ये इसी चीज़ की ऊपर नीचे है, तो इसका मतलब है यहाँ पे साउंड है, और यहाँ पे बिल्कुल ब्लैक है, तो इसका मतलब यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो हम इसको इतना ट्रिम कर देते हैं, और मैं इसको स्टार्टिंग करता हूँ जी। स्टार्टिंग पॉइंट में आते हैं जी, स्टार्टिंग पॉइंट इसका यहाँ से रखते हैं, और एक सेकंड जी, मैं ज़रा एक कॉल आ गई, तो मैं कॉल सुनूँ। तो जी मैं कॉल सुन के आखिरकार दोबारा वापस आ चुका हूँ, और अब मैंने अपने कानों पर लगा लिए हैं हेडफोन, ताकि मैं इसकी डेस्कटॉप की ऑडियो मुकम्मल तौर पर ऑन कर सकूँ, और मैं दोनों सोर्सेज की ऑडियो मैंने ऑन कर लिया। अच्छा, अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ जी, ये देखिए, अब यहाँ से ये अभी नॉर्मल चल रही है, जहाँ से ये जैसे ही एयर बोर्न होया है, यहाँ से नॉर्मल चल रही है। अब मैंने यहाँ पे सी और कट किया, और आल टी, और इसको मैंने कर दी इसकी स्पीड 50। अच्छा, यहाँ से मैं देखता हूँ जी, जैसे हम मैंने पिछली एक वीडियो में बताया था कि हम मल्टीपल वीडियोस पे कैसे काम कर सकते हैं, मल्टीपल ऑडियो लेयर्स पर भी काम कर सकते हैं। अब जैसे अब ये रैन का इफेक्ट है, और ये है जी इसका साउंड इफेक्ट है, तो इसको मैं इधर रख देता हूँ। अब इधर से क्या होगा कि ये दोनों इकट्ठे चलेंगे। मैं एक चीज़ अभी, मैं ज़रा कोई अच्छा सा क्लिप जगह देखूँ जिसमें ये साउंड इफेक्ट ज़्यादा अच्छा काम करे, मैं यहाँ से लगा देता हूँ इधर। ये देखिए, ये भी चल रहा है, ये भी देखिए चल रहा है जी। अब मैं इस म्यूज़िक के हिसाब से इसको, इसकी स्पीड जो है वो तो बढ़ाता हूँ।
इसके बेशक आप ये प्रीव्यू खोलना चाहें तो खोल सकते हैं। अब जहाँ से ये म्यूज़िक स्टार्ट हो रहा है यहाँ पर हमने एक कट लगाना है। इसको कंट्रोल सिर्फ सी पे से कट हो गया, पहले इस आल टी प्रेस किया और आल टी से पहले इसकी हमने 50 की हुई थी, स्लोमो किया हुआ था, तो अब हमने इसको फास्ट मोशन में करना है। और फास्ट मोशन में करने के लिए जी क्या होता है कि आपने जो 100 नॉर्मल चल रही होती है उसको आप 200 कर दें। ये 200 कर दिया, अब ये फास्ट मोशन में चलेगा। जैसे अब मैं स्टार्ट से आपको दिखाता हूँ, लेकिन ये भी इतना फास्ट नहीं हुआ। इसको मैं मज़ीद करता हूँ, उसको मैं कर देता हूँ 900। बल्कि 900 भी नहीं, मैं इसको कर देता हूँ जी 1500, 1500। अच्छा आप ये देखिए, चूँकि अभी आपको यहाँ पे एक रेड लाइन भी शो हो जाएगी, पहले भी हुई थी, मैं इसको एक दफ़ा फिर से पीछे से प्ले करता हूँ। ये देखिए, ये आपके ऊपर एक रेड लाइन शो हो गई इस टाइम लाइन पर। इसकी वजह यह है कि ये इतनी ज़्यादा इस टाइम हैवी हो चुका है, तो इसको हमें अगर प्रीव्यू रियल टाइम देखना है तो हमने इसको, यानी यहाँ तक साउंड इफेक्ट है, इसको मैं यहाँ से कट करके यहाँ से मैं इसको फिर आल टी प्रेस करके 50 कर देता हूँ। और अब ये चूंकि थोड़ा यानी लैगिंग कर रहा है, कंप्यूटर की इस्तेलाह में इसको लैगिंग कहते हैं, यानी रुक रुक के चलना, तो हमने एक यहाँ पर इन पॉइंट लगाना है, इधर इसके इससे पहले पहले इधर बेशक लगा लें, और एक इस क्लिप से थोड़ा सा आगे, एक दो फ्रेम आगे बेशक, या उस फ्रेम तक ही लगा लें तब भी ठीक है। आई और ओ, यानी यहाँ पे आपने आई प्रेस करना है, इन पॉइंट लग जाएगा, और इधर आके ओ प्रेस करना है। इसके बाद आपने इसको क्विक रेंडर करना है, और इसकी शॉर्टकट की है शिफ्ट और क्यू। तो जैसे शिफ्ट क्यू करेंगे तो ये जो इतना इन आउट हमने लगाया था उसको रेंडर कर देगा एक फ़ाइल की सूरत में, और वो फाइल फौरन यहाँ पर हमारे पास ऊपर आ गई है, ये ऑटोमेटिक ही आ गई है। और इससे अब ये फ़ायदा होगा कि यह हमारे पास अब रियल टाइम चलेगी। अब ये देखिए क्लिप, मैं इसको फुल स्क्रीन करके दिखाता हूँ। और मैं जब भी देख रहा हूँ कि यहाँ तक हमारी जो बीट है वो तकरीबन ख़त्म हो चुकी थी, तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। और अब इसको मैं यहाँ से कट करता हूँ, और इसकी कट करके मैं इसको 50 कर देता हूँ। अब मैं फिर इसको शिफ्ट क्यू प्रेस करता हूँ, शिफ्ट क्यू प्रेस किया, इन आउट लगे थे वहीं पर, ये दोबारा हो जाएगा। अब देखिए जी, ये तो पीछे चला गया। ये तकरीबन इसके बिल्कुल बराबर बैठी है यार। साउंड इफेक्ट तो जैसे आपने वो देखा होगा, वो स्टार प्लस के ड्रामों में लगा करते थे। अब इसी को हम चाहें तो हम 3-4 जगह पर हम मज़ीद अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ तक हमारी साउंड इफेक्ट ठीक है, इसको मैं कंट्रोल सी से करता हूँ कॉपी, और मैं किसी और जगह देखता हूँ, मैं यहाँ से इसको पेस्ट कर देता हूँ इधर, और इसको भी मैं कॉपी करता हूँ, और ये वाली लेयर सेलेक्ट करके मैं इधर रख देता हूँ। अब जहाँ पर ये सेल्फी स्टिक थोड़ा सा एडजस्ट कर रहे हैं, मैं पहले इसको नॉर्मल स्पीड में ले आऊँ, नहीं नॉर्मल में नहीं लाना था, यहाँ से पहले मैं कट करता हूँ, ये कट किया ताकि नॉर्मल स्पीड हमें पता चल जाए कि यहाँ से सेल्फी स्टिक चेंज हो रही है। ये यहाँ से बीट अच्छी बनेगी। अब ये देखिए, यह यहाँ से नॉर्मल स्पीड चल रही है, अब जहाँ से कड़ू की आवाज़ आई है तो हम इसको इस दफ़ा 2000 कर देते हैं। अच्छा, इसको हम 3000 भी कर सकते हैं, ये अभी लैग होना शुरू हो गया है, इसको 3000 कर दिया, और इस तक मैं ओ प्रेस कर देता हूँ, और आई यहाँ से कर देता हूँ।
यानी इस क्लिप के दरमियान स्टार्ट में पहले फ्रेम और आखिरी फ्रेम पर हम आई और ओ प्रेस करते हैं, आई पहले फ्रेम पर और ओ आखिरी फ्रेम पर। अब हमने पर प्रेस करना है शिफ्ट क्यू ताकि ये जहाँ पर बहुत हैवी उबल के आगे हमने कट लगाया ही नहीं है। भाई जान रुक जाओ। अब आके हमने इसको कट करके हमने इसकी स्पीड हम 30 कर देते हैं इस दफ़ा, और अब शिफ्ट क्यू प्रेस करते हैं। शिफ्ट क्यू प्रेस होगा और उसके बाद हम देखते हैं कि कैसा इफेक्ट बना है। ये देखिए कितना अच्छा एक इफेक्ट बन गया है। और ये भी अगर आपको लगता है थोड़ा सा, तो आप थोड़ा सा इसको, मैं चलो इसको इतना कर देता हूँ और इसको मैं डिलीट करता हूँ, और यहाँ से मैं एक काट लगाता हूँ और इसको 30 कर देता हूँ, और बाकी तो आगे 30 है, चलो मैं इसी को आगे कर देता हूँ, और इसको मैं एक दफ़ा कॉपी करता हूँ इधर, और इसके इधर आके पेस्ट करता हूँ, फिर इसको एक दफ़ा कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, दूसरी लेयर सेलेक्ट की, यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अच्छा यहाँ से ये इसकी स्पीड कितनी है जी, 3000 है। इसको एक दफ़ा कट किया और इसको मैंने 30 कर दिया। अगले इस फ्रेम पर आया, इसको भी मैंने 3000 कर दिया। अब ये हैंग होगा, यहाँ तक हमने किया और इसको हमने इस दफ़ा 20 कर दिया। अब ये यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको क्विक रेंडर करता हूँ, क्योंकि रेंडर से ये होगा कि यह जो लैग हो रहा है या थोड़ा सा रुक रहा है वो हमारा स्मूथ चलेगा, हमें एक प्रीव्यू मिल जाएगा। मैं इसको एक दफ़ा यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, फिर आपको फुल स्क्रीन पे दिखाता हूँ। और अब हम देखते हैं जिसका फुल स्क्रीन पे क्या रिजल्ट बन रहा है। तो यहाँ पर हमने सीख लिया कि हम एक तो बीट्स पे कैसे काम कर सकते हैं, म्यूज़िक साउंड इफेक्ट्स के साथ कैसे काम कर सकते हैं। अब ये जितना है ये शुरू से लेकर आखिर तक इसी तरह ही चलेगा। और जैसे ये देखिए एक बीट है, यानी अगर हम जितनी बीट्स रुकना होए जितनी बीट्स पर हम काम करेंगे तो वैसे ही हो जाएगा, यानी उसी हमारी म्यूज़िक हम जो वैसे मैं बैकग्राउंड म्यूज़िक में नहीं लगाता होता व्लॉग्स में, तो मैं तो ओरिजिनली पसंद करता हूँ। तो जैसे आप देखिए, आपने कोई इसे सर्च करें, कोई आप कलेक्शन इकट्ठी करें बैकग्राउंड म्यूज़िक की यानी साउंड इफ़ेक्ट्स की, तो साउंड इफ़ेक्ट अगर मुझे भी मिल गए तो मैं उसका कोई आपको लिंक दे दूँगा साउंड इफ़ेक्ट्स का। तो बाकी और देख ले, ये एक पैटर्न आपने देख लिया कि इस तरीके के साथ बनता है। अब यहीं से मैं एक चीज़ और आखिरी बात समझा दूँ। मैं एक तो हमने सीख लिया कि हमने भाई कुछ हिस्सा को हमने फास्ट किया, कुछ को हमने स्लो किया, कुछ को हमने बहुत फास्ट किया और म्यूज़िक के हिसाब से फास्ट किया। अब हम देखते हैं कि देखिए ये ग्लाइडर अभी टेक ऑफ कर रहा है। मैं चले यहाँ से एक कट लगाता हूँ और एक यहाँ से, ये थोड़ा सा इसको पीछे कर देता हूँ। अब हमने आल टी प्रेस किया, ये देखिए मैं इसको 100 कर देता हूँ, 100 पर यह नॉर्मल हो गया। और इसको अगर हमने 200 या 300 कर दिया ये तो बहुत तेज़ हो जाएगा। ये देखिए और इसको हम चाहें तो हम 100 कर देते हैं एक दफ़ा फिर। और अब हम ये फॉरवर्ड जा रहा है तो इसको अगर रिवर्स करना है तो या तो इसके पीछे माइनस लगा दें या आप यहाँ से इसको बैकवर्ड कर दें। अब बैकवर्ड करने से क्या हुआ कि वही जो ग्लाइडर है वो उड़ कर वापस जा रहा है पहाड़ी पर। तो इस तरीके के साथ हम किसी भी वीडियो को रिवर्स भी कर सकते हैं, बस सिंपल इसका यही टेक्निक थी। तो ये थी जी क्लास आज की कि हमने तो म्यूज़िक बीट्स और ऑडियो की भी मल्टीपल लेयर्स पे काम सीख लिया है। और इस तरीके के साथ अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो तब आप काफ़ी कुछ नई नई चीज़ें सीख लेंगे, जिसमें यानी आप ये देखिए कितना एक अच्छा इफ़ेक्ट बन गया। पर इस तरीके के साथ आप और भी साउंड इफ़ेक्ट्स लगा के अपने कुछ कर सकते हैं। तो ये थी आज की क्लास, उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।